दिस न्यूज इज ब्रॉट टू यू बाय भूषण ज्वेलर्स सोलन। राजधानी शिमला के साथ लगते पर्यटन स्थल कुफरी में शुक्रवार सुबह एक सरकारी और निजी बस में टक्कर हो गई। हादसे में 9 लोग घायल हो गए हैं। घायलों में 6 महिलाएं और 3 पुरुष हैं, जिन्हें उपचार के लिए IGMC शिमला लाया गया है। गनीमत यह रही कि हादसे में किसी का जानी नुकसान नहीं हुआ है। सभी घायल उपचाराधीन हैं और खतरे से बाहर बताए जा रहे हैं। कोहरे की वजह से सड़क पर फिसलन के कारण बसें आपस में टकरा गईं। टक्कर से दोनों बसों की कुछ सवारियों को चोटें लगी हैं। इनमें एक सरकारी बस शिमला से रोहडू की ओर जा रही थी, जबकि प्राइवेट बस रामपुर से शिमला की ओर आ रही थी। जैसे ही घटना की सूचना स्थानीय पुलिस को मिली, वह मौके पर पहुंची और घायलों को तुरंत शिमला IGMC रवाना कर दिया। वहीं IGMC के MS डॉक्टर जनक ने कहा कि सभी घायल खतरे से बाहर हैं। आज सुबह जब अस्पताल में हमें ये सूचना मिली कि शिमला के कुफरी क्षेत्र में किन दो बसों का आपस में टकरान हुआ है, जिनमें से एक बस जो है वो हिमाचल रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन की है और एक प्राइवेट संस्था के द्वारा चलाई जाने वाली बस है, जिसमें जो लोग चोटिल हुए थे उनको IGMC में इलाज के लिए लाया गया। हमारे पास इस वक्त 9 मरीज जो हैं वो IGMC में उपचाराधीन हैं और सबको हल्की हल्की मामूली चोटें हैं और सब खतरे से बाहर हैं। दिव्य हिमाचल वेब टीवी के लिए शिमला से विक्रांत बधन की रिपोर्ट। यदि आप गहनों के शौकीन हैं और खरीदारी की सोच रही हैं, तो अवश्य आएं भूषण ज्वेलर्स। सोलन के भूषण ज्वेलर्स आपके लिए लाए हैं पारंपरिक एवं आधुनिक आभूषण का बेजोड़ खजाना, वो भी बेहद किफायती दामों पर। भूषण ज्वेलर्स आभूषणों की दुनिया का वो नाम है जो कम ही समय में नामी आभूषण निर्माताओं में शुमार हो गया है। भूषण ज्वेलर्स सोलन कर MD विनय गुप्ता का कहना है कि शादी विवाह के आभूषणों की खरीद व किटी अकाउंट खोलने पर ग्राहकों को सुनिश्चित उपहार दिए जाते हैं। उन्होंने बताया कि त्योहार के सीजन में ग्राहकों को एक इयॉन 5 स्कूटी व ढेरों इनाम दिए गए। डायमंड की खरीद पर 40% की छूट दी जा रही है, तो देर किस बात की, अपनी सुंदरता को चार चांद लगाने के लिए चले आए भूषण ज्वेलर्स सोलन।